वेलकम। कैसे हो भतीजे? अपने चाचा से बहुत नाराज है ना? क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है। कोई मरता है तो कोई जीता है। मुझे मारना चाहता है ना? राधे श्याम सालार से पहले प्रभास की कौन सी ऐसी फिल्में हैं जिनको ऑडियंस ने बुरी तरीके से नकार दिया था। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मेरा नाम है निदा। आज मैं बात करने वाली हूँ प्रभास की। और जब मैं प्रभास की बात करती हूँ तो मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि 5 साल में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बदली है अपने इंडिया में, वो है बॉलीवुड में तमिल फिल्म बनना। हर एक फिल्म किसी न किसी फिल्म तमिल का रीमेक होती है। आपको बता दूं कि इतना सीरीज की कॉपी पेस्ट नहीं होता जितना फिल्मों का होने लगा है, तमिल फिल्मों का, स्पेशली बॉलीवुड में। लेकिन जब भी तमिल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दिल में एक ख्याल आता है सबसे पहले, और वो है प्रभास का। प्रभास इस वक्त तमिल इंडस्ट्री के वो एक महानायक हैं जिनका जिक्र हर बार होता है। लेकिन आपको पता है कि ये रातों रात स्टार नहीं है। कुछ फिल्में प्रभास की ऐसी हैं जिन्हें ऑडियंस ने बुरी तरीके से नकार दिया था, तो आज मैं उन्हीं फिल्मों के बारे में बात करूंगी। सबसे पहले बात करूंगी 2003 में आई राघवेंद्र की। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही बोरिंग था, सेकंड हाफ में भी काफ़ी ज़्यादा बोरियत थी, बल्कि इस फिल्म में जो फ्लैशबैक दिखाए गए हैं वो सबसे ज़्यादा बोर करते हैं। आपको बता दूं कि इस फिल्म में सेकंड हाफ में जो डायरेक्टर हैं उन्होंने थोड़ा सा स्पेस पकड़ा था, थोड़ी सी स्पीड पकड़ी थी, लेकिन फिल्म उतनी अच्छी बॉक्स ऑफिस पर खरी नहीं उतरी और इस फिल्म में स्टोरी लाइन भी काफ़ी वीक थी। आपको बता दूं कि 2004 में आई अदावी रामोड़ो भी वैसे ही फिल्म निकली। इस फिल्म की मेन दिक्कत ये थी कि इस फिल्म की जो स्टोरी लाइन थी वो थी ही नहीं। इस फिल्म में सिर्फ एक्शन सीन्स थे जो बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए गए थे, इसके अलावा फिल्म में कुछ भी मौजूद नहीं था। हाँ, ये बात और थी कि इस फिल्म में प्रभास की एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी थी जो ऑडियंस को बनाए रखती थी। 2003-2004 में बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद प्रभास ने एक और फिल्म ऐसी करी जिसके बाद उनके पास 3 बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म हो गई, जिसका नाम था पूर्ण आर्मी। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इस फिल्म का जो सेकंड हाफ था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और हैवी था और फर्स्ट हाफ उतना ही बोरिंग था। जितनी भी प्रभास की फिल्में हैं उनमें एक चीज कॉमन ये है कि उन फिल्मों का फर्स्ट हाफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। लेकिन इस फिल्म में आपको बता दूं कि डांस जॉनर था, इस फिल्म में काफ़ी डांस सीन्स दिखाए गए हैं जो ऑडियंस को शायद पसंद नहीं आए। इसके अलावा इस फिल्म का जो मेन विलन था वो भी काफ़ी अधूरा सा महसूस होता है। उस फिल्म का जो कैरेक्टर है वो एकदम से गायब हो जाता है, जो ऑडियंस को समझ में नहीं आता, जिसकी वजह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। कहते हैं इंसान तब तक नहीं सीखता जब तक वो अपनी गलतियों से नहीं सीख पाता, और शायद प्रभास इन गलतियों से नहीं सीखे थे। तभी 2012 में प्रभास ने फिल्म रेबल की। ये फिल्म भी वैसे ही फिल्मों की तरह निकली। इस फिल्म में कहानी काफ़ी कमज़ोर थी और इस फिल्म में एक स्टाइलिश एक्शन दिखाया गया। ये फिल्म पूरी तरीके से स्टाइलिश थी क्योंकि इस फिल्म में जो एक्शंस हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली कैप्चर किए गए हैं। इसके अलावा इस फिल्म में कॉमेडी भी है लेकिन थोड़ी सी हल्की फुल्की है, जो ऑडियंस को बिल्कुल हंसा नहीं पाती है। आपको क्या लगता है कि जितनी फिल्में प्रभास की फ्लॉप हुई हैं, क्या इन फिल्मों में प्रभास की राधे श्याम और सालार जोड़ सकती है? आपको क्या लगता है कि क्या फिल्म सालार का फर्स्ट हाफ कमज़ोर हो सकता है? क्या इन दोनों फिल्मों में कोई एक फिल्म फ्लॉप हो सकती है? आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। ऐसी फिल्मों की जानकारी के लिए, फिल्मी रिव्यू रेटिंग जानने के लिए फॉलो सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड स्टूडियोज़ को, जहां पर हम आपको हर फिल्मी खबर देते हैं।